व्हाट्स अप दोस्तों, मैं हूं रौनक और स्वागत है आपका एक स्पेशल एपिसोड में GTA ऑनलाइन के। हम हैं चपाती गेमर पम्मी भाई के साथ। हेलो पम्मी भाई। हेलो रौनक भाई, थैंक यू, आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया। अरे वाह, कोई बात नहीं। कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद। वाकई में यार बहुत टाइम हो गया हमने वीडियो बनाई है। बहुत लास्ट टाइम ज़्यादा तो टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और रिक्वेस्ट भी यार नियरली एवरीडे आते होंगे। मुझे तो आ रहे हैं, वही कह रहे हैं रौनक भाई के साथ वीडियो बनाओ और उनको अपनी बोट पे लेके जाओ। जी, मुझे तो भी आज रिक्वेस्ट आती है कि पम्मी भाई को ढूंढ के लाओ कहीं से। हम तो यार आपके पास ही हैं, हम तो कहीं गए ही नहीं। तो तो चलिए चलो आज आज की धमाल जो करेंगे बोर्ड में। बिल्कुल आज की जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने भेजी थी, वो रिक्वेस्ट थी कि रौनक भाई को बोर्ड के ऊपर लेके जाओ। तो मैंने सोचा कि रौनक भाई को बोर्ड के ऊपर लेके जाते और उनको अपना एक कमरा ही दे देते हैं बोर्ड के ऊपर। कैसा लगा रौनक भाई आइडिया? वाह, क्या आइडिया है यार, स्पेशल रूम। बिल्कुल, मम्मी भाई आप तो काफी माला माल हो यार, फिर क्या करें यार, अब कितने टाइम से GTA ऑनलाइन खेल रहे हैं, दुनिया के बादशाह। थोड़ा बहुत चलता है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि यार पैसे कैसे बनाते हो। तो पैसे तो मैं GTA, अब देखो भाई मैं 5 साल से GTA खेल रहा हूँ, जब से लॉन्च हुई है उसी दिन से खेल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा। बराबर, लगे रहो काम में, है ना, पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हौली हौली बन जाते हैं। तो रौनक भाई, हौले हौले। बोट में अगर आप जाओगे तो आप बोट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, तो वो आप ओके, मंगवा सकते हो। और वो मुझे पता नहीं कैसे आता है, अगर सच्ची बात तो पूछो फिर तो यहाँ पे ओके। जेट स्कीज खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे जेट स्कीज लेके हम बोट के ऊपर जा सकते हैं। ये तो और मजा आएगा फिर। ये तो फिर और चलो एडवेंचरस हो गया ना। जी बिल्कुल। इसको देख लो, फोटो खींच रहा। मारना था ना उसे एक फाइट। नहीं, रहने तो यार, वो एंजॉय कर रहा है तो हमने क्या करना है। अरे पानी के अंदर चला गया, बाहर कैसे आता है ये। हाँ तो बैठ जाइए फिर किसी बोट पर, मैं तो ये रेड वाली पे आप कहाँ जा बैठूंगा। रहे हो भाई? ये जो सामने बोट खड़ी है ना, अभी तो कंपास भी नहीं है पबजी की तरह। एक मिनट, चढ़ जा भाई चढ़ जा। क्या तैर रहे हो यार पानी में अंदर? पानी में नहा रहा हूँ थोड़ा। चलो तो दीजिए, देखो सामने हमारी बोट है, यही है ना, कहीं किसी और की बोट में ना चढ़ जाए। हाँ यही है। अरे वाह, नजर आ रही है। और क्या चल रहा है रौनक भाई वहां पे? यहाँ पे चल रहा है कुछ खास नहीं, बस GTA का नया अपडेट आने वाला है ना एक। हाँ वो कह रहे थे कि नया अपडेट आने वाला है, वो भी ट्यूसडे का, जिसका नाम होगा द नाइट क्लब DLC। तो हम तो बिल्कुल रेडी हैं, आप हाँ, क्या चेक कर बराबर, आप तो जरूर खेलोगे। हाँ हम तो जरूर खेलेंगे यार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने वीडियो बनाई थी ना तो ये सीढ़ियों पर नहीं चढ़ जी। पा रहा था, और अभी भी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहा था यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। हाँ यार, सीढ़ी में नहीं चढ़ पा रहे। तो मुझे बड़े व्यूअर से बताया आपकी था कि यार तुझे सीढ़ी पे चढ़ना नहीं आता, आपकी बोट है और आप ही नहीं जा पा रहे हो। एक काम करते हैं, ये बोट के ऊपर से जाके हमें छलांग मारनी पड़ेगी वहां तक। लीजिए हम तो पहुंचे आ क्या? गए। हाँ जी, चलो देयर हम भी वी गो, पहुंच गए। वेलकम टू वेल द डन, बोट रौनक भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो क्या लीजिए, मस्त सबसे है यार पहले पानी में आप जकूजी वगैरह कर सकते हो अगर जकूजी। आपको करने। भाई हम अरे तो यार वाह, GTA के बाद यहीं पे पड़े होते हैं सारा दिन। ये लो मजे ले लो जकूजी के। हाँ अरे आप तो वाकई में पूरे मूड में ही आ गए आप तो यार। अरे वाह वाह, आराम से बैठ के मजे ले रहे हो आप तो। पार्टी वार्टी करने के लिए मस्त है यार बोट। पार्टी के लिए एकदम झकास यार, जब ऑनलाइन के बंदे हो ना 5-6 तो यहीं पे आके पार्टी वार्टी करो फिर। चलिए ये बात ओके करते okay. हैं। भाई की बोट देखो यार, क्या धमाल है एकदम। यहाँ तो एक काम करते हैं, पहले बाहर से देख लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। ये पहले अंदर चलते हैं फिर बाहर से देखते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलो बाहर देखते हैं पहले फिर अंदर जाते। अच्छा बाहर देखने के लिए कुछ है भी नहीं। नहीं है इतना कुछ खास नहीं है, तो बाहर से बाद में देख लेंगे। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। आपकी अंदर आने की रिक्वेस्ट, एक मिनट मैं एंटर विद फ्रेंड्स कर लेता हूँ। इनवाइटेड टू यू इन टू देयर यार्ड। लोड हो रहा है मेरा। ओके क्या बात है, अंदर आ गया मैं। नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, तो ये लीजिए रौनक भाई, चलिए जी। ये है हमारी बोट। फिर नीचे, हाँ नीचे हमारे जो हैं, जो लेवल 1 है इसके ऊपर हैं हमारे बेडरूम्स। तो बेडरूम्स
आप कोई भी कमरा लेके पसंद कर सकते हैं। ये अंदर गन्स वगैरह पड़ी हुई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों रखी है इन्होंने गन्स, और काम वगैरह कंटिन्यू करने के लिए बकायदा लैपटॉप भी दिया है इन्होंने। क्या रूम है ना यार, मस्त एकदम होटल मस्त है यार एकदम यार। जैसा है ना, हाँ तो लग्जरी टोटल होटल तीन जैसा। कमरे हैं इस बोट के अंदर, और ये है ऑफिस प्लस अनदर बेडरूम। वाह wow. ये वाला रूम अच्छा है यार। मस्त है यार, व्यू देखो समुद्र हाँ का, हाँ क्या बात है। समंदर का। गेट इनटू द और बेड। गेट इन टू द बेड, नहीं अभी नहीं गेट इन टू द बेड। और ये है मास्टर बेडरूम जो कि हमारा बेडरूम है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते जी हो। अरे वाह, चेंज क्लोथ्स यार, हाँ घुस मस्त गए। है यार एकदम। ठीक है ना, जी तो ये था हमारा पहला माला। ये मैं गन तो उठा लेता हूँ, मुझे लगता है उठानी पड़ती है, आई डोंट नो। तो ये था हमारा पहला माला जिसके अंदर तीन बेडरूम है और एक ऑफिस है। रौनक भाई आपको जो रूम पसंद है वो आप ले सकते हो, और किराए की चिंता अरे नहीं करनी है वाह, आपने। और आप ठीक उसी, या सॉरी, माल वाल भी छुपाते हो क्या यहाँ वैसे? पे माल वाल तो नहीं है, बस ऐसी मस्ती मारने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये है हमारा जो मेन लॉन्ज है, जो लिविंग रूम है, वहाँ पे आके वाह मस्ती करते हैं। क्या है यार, मस्त। लगाइए फिर टकीला के शॉट। वेलकम ऑन बोर्ड, किधर है ऑप्शन? ये रहा, एनीथिंग यू वांट, साइड में प्लीज क्या, लेट मी नो। एनीथिंग यू वांट्स। ओके, ड्रिंक सम वाइन, ले रहे, बना के दे रही है मुझे। हाय 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 हम तो हाय, यहाँ खुद ही ले रहे। सुबह सुबह वो आपको खुद ही ले रहे हैं। हाँ हम तो यहाँ खुद ही ले थैंक रहे हैं यू। यार। आपको बना के ही दे ये रही। 24 आवर्स रेडी है बाप, हाँ लग सबर कर, मेहमानों की कदर करने नहीं आती इसको। गिव मी अ ड्रिंक। हम तो यहाँ खुद ही ले अमी भाई के रहे बोट हैं। में ड्रिंक की भी फैसिलिटी है। बिल्कुल जितना मर्जी पियो, खाना पीना नहीं है लेकिन ड्रिंक बहुत ज्यादा है। बारबेक्यू होना चाहिए था ना यार। बारबेक्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है यार। ये क्या है, ये कौन सा डिजाइन इन्होंने बना के रखा अरे हुआ ये मैंने भी देखा है, ये कहाँ ग्रो हो रहा है, कुछ क्या है, फ्रूट है कि क्या है, समझ में नहीं आता। ये अजीब है वो अपार्टमेंट मूवी में भी है। था ऐसी आपके अपार्टमेंट में सेम वैसी। ये संतरे वहां पे पड़े हैं, ये संतरे आप खा सकते हो कि ऐसी डेकोरेशन के लिए पड़े हुए हैं यार। शो के लिए है ना संतरे भी गिन के रखे हैं उन्होंने, पांच संतरे यार, पांच सेब। किताबें भी है, आप बुक्स पढ़ते हो आप? बिल्कुल नहीं, जरूर कुछ बिजनेस की बुक्स होगी। बिल्कुल बुक्स नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। अच्छा यहाँ पे दूसरा गेट है, तो अगर आपने घूमना है रौनक भाई आप घूम सकते हो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद या बाहर ओके चलते हैं। यार, इसका इंटीरियर तो बहुत मस्त है एकदम। तो आप कब ले रहे हो क्या बोर्ड, इन, ये बताइए। अरे बोट लेने के लिए मुझे बिजनेस करना पड़ेगा आपकी तरह। आपको तो कितने अरे साल हो गए ना जब से लिया है, तब से खेल रहे हो आप? हाँ मैं तब से खेल रहा हूँ GTA। मैं तो खेलता नहीं ऑनलाइन। हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारी बोट आपकी बोट। आपको पता है वो एक शार्क कार्ड आता है? शार्क कार्ड तो ये जो बहुत महंगे हैं यार, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे लेते हैं 60 पाउंड लेते हैं 8 मिलियन का। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे उनके लिए होगा वो ऑब्वियसली यार बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है यार। तो कभी यार, कभी आपके लगता है कि पास यार तो ओ लग्जरी तो यार, कभी कभी लगता है कि यार धोखेबाजी हो रही है यार। असली ज़िंदगी में जाके फिर काम करो, फिर GTA में आके फिर से काम करो, यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा फिर। अरे हाँ, यानी काम ही काम कर रहे हैं गेम में काम भी, ही काम करवा रहे हैं गेम में भी यार, कभी ये करो गेम कभी में भी। वो करो कभी वो करो। तो ये था जी हमारा ग्राउंड फ्लोर, अभी हम जाते हैं टॉप फ्लोर पे। सच्ची बात पूछो तो मुझे यहाँ पे याद भी नहीं है कि यहाँ पे क्या है। ओ तो ये है जो मेन डेक है बोट का, तो अगर आप बोट बाय करोगे तो बोट के अंदर दो ऑप्शन है, एक छोटी बोट है और ये एक फुल बोट है। और बस फुल बोट में ये है कि आपको जकूजी मिलेगी और ये दो हेलीपैड मिलेंगे, बाकी सब सेम है। अरे वाह तो वहाँ पे जाके अगर आपने टाइटैनिक का पोज मारना तो आप मार सकते हैं। जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। यार, हेलीकॉप्टर कहाँ है आपके? हेलीकॉप्टर एक ही मिलता है आपको जो पीछे खड़ा है, जहाँ पे जकूजी थी ना वहाँ मम्मी पे भाई, खड़ा है हेलीकॉप्टर। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, आई एम द हेलो। किंग ऑफ द वर्ल्ड, ओए होए ओ गिर मत जाना यार। स्टॉप लीनिंग ऑन द रेल। ऐसी बोट रोज रोज थोड़ी मिलती है यार।
अरे मैंने इसकी वो रफली में प्राइस चेक की थी असली वर्ल्ड में, हाँ एंड मैं तो पूरा शॉक ही हो गया यार। करीब काफी रिसर्च 200 मिलियन की बता रहे थे डॉलर्स की। यानी बाप रे बाप, यानी आप अंदाजा लगा लो कितने शार्क कार्ड खरीदने पड़ेंगे। हाँ तो यहाँ पे आ गए, तो ये रहा हमारा जो हेलीकॉप्टर है जो बोट के साथ ही आता है। क्या बात है, ये भी, ये कितने का होगा हेलीकॉप्टर? 200,000 डॉलर का होगा, नहीं, आई थिंक ओवर मिलियन का तो होना चाहिए हेलीकॉप्टर की कीमत मिलियन यार। का? इतना महंगा हो सकता है, मुझे इतना ठीक वेपन्स है तरीके से इसमें? याद नहीं। नहीं, वेपन्स नहीं है, लेकिन इसमें शैम्पेन्स वगैरह आपको मिलती हैं, अगर पीनी है तो पीछे अरे पड़ी होती वाह, हैं। और अंदर जो है यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इस तरफ यहाँ पे जो है कैबिन है जहाँ पे कैप्टन हमारे बैठे होते हैं, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप अंदर नहीं जा सकते, क्यों तो भाई? यहाँ पे सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोट का ओनर ही अंदर जा सकता है। अच्छा ऐसा है क्या, मैं काम करता हूँ, प्राइवेट है अंदर एकदम। जाके ना बोट को मूव करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आपके स्क्रीन पे मूव होने का ऑप्शन आता है कि नहीं आता। तो मैं 1 मिनट में अंदर आ चुका हूँ कैप्टन के पास। अरे कप्तान भैया, ज़रा बोट को मूव कर दीजिए लेगो जंकुडो में। ओ, आर यू श्योर यू वांट टू मूव द बोट? यस। तो अभी मेरी स्क्रीन पे हाँ बोट जो अभी है मूव हो रही है। मेरे इसमें भी हो रहा है, सिनेमैटिक आ रहा है, कट सीन आ रहा हाँ है। बिल्कुल, तो ये लीजिए अब चली हमारी ऐसे। बोट, हाँ यार, ये बोट लूट, यार बड़ा लूटते हैं यार ये तो। बोट मूव करने के भी आपको 25,000 डॉलर्स देने पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत ट्वेंटी लूट है। फाइव थाउजेंड डॉलर्स यार बहुत बड़ी चीज़ है। एक्वेरियस याट, जस्सू सुपर याट, जस्ट सुपर यार, कस्टम नाम भी दे रखा है आपने। बिल्कुल, जब 4-10 मिलियन ले रहे हैं तो कस्टम नाम तो दे सकते हैं ना। क्या बात है, अब हम आ गए हैं, किधर आ गए हम? ये हम आ गए प्लेटो पे क्या? हाँ नहीं, हाँ प्लेटो पर की जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे आ चुके हैं। तो हाँ वहाँ पे आ गए। मैं यहाँ पे कहाँ पे जकूजी में आप? बैठा हूँ, मैं जकूजी में अच्छा आराम कर मजे रहा हूँ, ले और रहे हो। आप घूमिए बोट के मज़े लीजिए। और हाँ नीचे भी है, नहीं नीचे नहीं है सॉरी, मुझे लगा था कि नीचे भी एक कंपार्टमेंट होगा अंडरग्राउंड पे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो लॉक्ड है। इसमें दुश्मन भी आते हैं क्या हमला करने? दुश्मन आ सकते हैं, लेकिन अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, तो अगर आपका प्लेन आपकी बोट वगैरह आ रही है तो वो फोड़ देगा। अरे वाह, हाँ यानी मजे करो बिना टेंशन के। बिना टेंशन के पड़े रहो, कोई तंग करने वाला आपको नहीं है यहाँ पे, सही है ना? किसको फोड़ रहे हो? ये झाड़ कहाँ से आ रहा है यार अरे बाप समुद्र में, रे देखा आपने? फ्लोट हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ कि हो ये रहा है, कहाँ कहाँ से आ गया। हाँ से आ गया यार? देखो, फिर जीटीए के भी करामाती काम होते हैं, आज पानी में पेड़ उगर रहे हैं। पेड़ उगड़ रहे, पैसों के पेड़ तो नहीं है कहीं आपने लगा दिए होंगे कहीं, मनी प्लांट? अरे सारी पोल खुल गई यार। हेलीकॉप्टर में चलें? जी बिल्कुल, अरे आप होस्ट हो, जो आप बोलोगे बिल्कुल वैसा होगा। नहीं, मुझे, मैं चाहता हूँ कि आपको बोट का पूरा वो दिखाया जाए, तो मेरे ख्याल से आप पीछे बैठ के शैंपेन वगैरह का मजा ले सकते हैं आराम से। अरे वाह, ओए रुकने वाला था, बच गया। फ्लाइंग ओह फ्लाइंग स्किल कैसी है आपकी, अच्छी है ना? स्किल तो काम चला हुआ, सेम मेरी भी वैसी है, काम चलाओ। बस काम चलाओ ही हो जाए, और क्या करना, हमने कौन से असली में जहाज उड़ाने हैं। तो आप ऊपर से भी बोट को देख सकते हो, अरे बाप रे काफी बड़ी हो। जी तो और कुछ अगर देखना बोट के बारे में पूछना हो रौनक भाई, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। बोट के बारे में मैं क्या पूछूं, लगता है पीछे इसमें वाइन आपका वगैरह नाम पी रहे क्यों, हो इसमें आपका नाम लगा है मस्त वो बोट में। पीछे। हाँ अरे अगर आप माइंड ना करो तो एक बात कंफर्म कर लूँ अपने व्यूवर्स के साथ, मुझे बहुत से जी व्यूवर्स ने बोलिए। कहा है कि ये कौन सा ड्रैगन का झंडा लगा लिया, आपने इंडिया का झंडा क्यों नहीं ओहो लगाया? हाँ, ऑप्शन था क्या? ऑप्शन होते हैं झंडे के, ऑप्शंस होते हैं। तो मैं हमेशा से वेल्स में रहता हूँ, तो मैंने तभी तो वेल्स का झंडा लगाया है। अरे वाह, काफी लॉयल हो आप। अब इस कंट्री को हमने होम मान लिया तो इतना तो बनता है। ऐसे इंडिया भी होम हमारा ही अवे घर फ्रॉम है, होम, होम अवे फ्रॉम होम, इंडिया भी हमारा ही घर है, लेकिन झंडे में क्या रखा है यार, मज़े करो। एक और बोट ले लेंगे, और बताओ। इंडिया वाली है ना?
इंडिया वाले एक और बोट ले लेंगे, दो बोट ले लेंगे इंडिया पे। क्या मस्त है। और अब रात रात के अंदर मैं ये कहने वाला था कि रात के अंदर इसके अंदर लाइटें जली हुई हैं, तो अभी रात होने का अच्छा अगर इंतज़ार करें तो 8 तो बज चुके हैं, नहीं 7 बजे हैं। और लीजिए लाइटें भी ऑन हो गई। ये कस्टमाइज होते हैं ना लाइट्स, आपने सिलेक्ट किया होगा। हाँ कुछ भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो जो बैरियर्स लगे हैं, जंगले वगैरह लगे हैं, आप ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, इंटीरियर भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और लाइट्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो नियरली सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और जब आप मस्त बोट है यार लोगे एकदम। तो साथ में आपको 4 जकूजीज, ना जकूजी कह रहा हूँ, जेट स्कीज और 2 सेपरेट बोट्स भी मिलेंगी। मुझे पता नहीं किस लिए होती हैं ये, मस्ती करने के लिए। मस्ती मारने के लिए। तो अगर आपने मच्छी वगैरह पकड़नी है तो ये लम्ब्रेटा और 5-6 जकूजीज भी हैं आपके पास। सनसेट देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम कहाँ पे है? अरे बाप रे, सामने। ओए होए होए, अगर हम सनसेट को बोट के पीछे से देखें तो ये तो फिर और रौनक आ जाएगी। अरे बोट के ओए साथ मस्त। होए, क्या हुआ? जाने वाला था मेरा प्लेन। मैं सोचा मेरा पायलट क्या क्या गड़बड़ हो गई क्या। अरे बाप रे, आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो रौनक भाई। नहीं, एक और चीज मुझे क्लियर करनी है भाई, हाँ अच्छा मौका बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप व्यूअर्स को बता दो कि मेरे पास आपका सेल नंबर नहीं है ना। मेरे हाँ मेरा जो फ़ोन नंबर है वो किसी के पास भी नहीं है, तो ये कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो कि फ़िलहाल अभी हम दे नहीं सकते भाइयों, तो प्लीज़ जी, थोड़ा बहुत क्योंकि समझा कीजिए यार। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं पम्मी भाई का फोन नंबर दीजिए जरा, हाँ मेरे पास ही नहीं है, मैं तो वह कहता हूँ। सही बात है। और ये मैं रौनक भाई से, मुझे आपकी रिक्वेस्ट भी आती है यार, रौनक भाई के साथ वीडियो बनाओ या उनको नंबर दो, वो कहाँ पर रहती हैं उनसे मिलो। लगता है सेम दोनों जगह यही चालू रहता है। बिल्कुल, तो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर मैंने रौनक भाई को बताया था कि जब मैं इंडिया आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। अरे वाह क्या बात है, श्योर मिलेंगे। सनसेट हो गया पूरा, बिल्कुल, अभी क्या टाइम हो तो रहा है, एंड ठीक करते हैं है। यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से इतना ही। कर दूं एंड। हाँ जी, तो ये था स्पेशल एपिसोड हमारे पम्मी भाई के साथ, उन्होंने अपने याट में हमें घुमाया, टूर दिया, एक रूम भी ऑफर किया, काफ़ी जेनरस है वो, बहुत अच्छे। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, हम दोनों का मिलके काफ़ी दिनों बाद। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक लेटे केयर एंड गुड बाय।